ओम शांति। आज 5 मई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात हम बच्चों को स्पष्ट की है। बाबा कहे, बाबा आते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना करते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें जौ तिल को स्वाहा करते हैं, परंतु इस यज्ञ में तुम्हें जौ तिल आदि स्वाहा नहीं करना है, लेकिन देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा कर देना है। और ये सूक्ष्म बात बाबा ने समझाई कि स्वाहा करना माना बुद्धि से सब कुछ भूल जाना। फिर बाबा ने कहा, इस पवित्र यज्ञ की रक्षा पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है, और वही पवित्र ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। ये भी बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात बताई और श्रीमत का महत्व बताया कि जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उसे कभी कोई भी दुख दे नहीं सकता है। प्रश्न है आज की मुरली से, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भूला देना है। भावार्थ बाबा ने बताया, आहुति देना अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकार बेहद बाप के पास। उनका नाम शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है, उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं। गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था, बाप को तो अपना शरीर है नहीं। मारने चाहेंगे वह भी उसको जिसमें प्रवेश करता। ब्रह्मा बाबा को मारना चाहेंगे, बाकी शिव बाबा को तो कोई भी मार नहीं सकते। आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकते। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता। उन्हों के राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता, न पानी डुबो सकता है। किसी भी हालत में कोई जला नहीं सकता, कोई डुबो नहीं सकता। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो। किस चीज का? अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके। वहां तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं। तकलीफ देने वाला है रावण। रावण को 10 शीश भी दिखाते हैं, सिर्फ रावण दिखाते हैं, मंदोदरी दिखाते नहीं। सिर्फ नाम रख दिया है कि रावण की स्त्री थी। तो यहां रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है। जब रावण राज्य में है तो तकलीफ हो सकती है। वहां तो रावण होता नहीं,
बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख न हो सके। बाबा हमें भी ऐसा बनाते हैं जो शरीर होते भी कोई दुख न हो सके। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े। बाबा ही ज्ञान का सागर है, और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अगर नाभि कहे तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। नाभि कहे तो बाबा कहे वास्तव में ब्रह्मा शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। तुम भी शिव की नाभि से निकले हो, बाकी चित्र तो सब रॉन्ग है। एक ही बाबा राइटियस है। रावण अनराइटियस बना देते हैं। ये खेल है, इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए, ऊपर कोई भी चढ़ न सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते वह और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं है। बाबा के घर और स्वर्ग का, कहां का रास्ता नहीं जानते, न बाबा के घर का न स्वर्ग का। जो भी गुरु आदि है सब है अठियोगी। घर बार छोड़ देते हैं, बाबा छुड़ाते नहीं। बाबा छुड़ाते नहीं है, कहते हैं पवित्र बनो। कुमार और कुमारी पवित्र है। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाने चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती है। माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी करनी ही होगी। पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते हैं, क्योंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते भी है, हे पति पावन आओ। अब बाबा कहते हैं कुमारियां पतित न बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा, तुमको अपने को बचाना है। बाबा आया ही है इसलिए पावन बनाने। कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया, इसलिए पवित्र बनना पड़े। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जवाहरों के महल है। वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते फिर राधे को क्यों गुम कर दिया है? कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झुलाते हैं। बाबा कहे कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झुलाते हो। माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती है, राधे को नहीं। और फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है उनकी इतनी पूजा नहीं है। जगत अम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, आदि देव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वो ब्राह्मणी है। वह कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है। कितनी सुंदर सूक्ष्म बात बताई। वही ब्रह्मा जब ब्रह्मा रूप में है तो उसकी पूजा खाली अजमेर में होती है, पुष्कर में। लेकिन जब कृष्ण बनते हैं तो कितने मंदिर बनते हैं, कितनी पूजा होती है। और राधे कितनी पूजा नहीं होती है, अकेला राधे का मंदिर नहीं। लेकिन वही मम्मा संगम युग के अंत में जब जगत अम्बा के रूप में है तो कितने मंदिर,
और कितनी पूजा होती है, क्योंकि बाबा कहे वह एक ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। ना कोई 8 भुजाएं हैं, मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई है। बाप कहते माया के राज्य में झूठ ही झूठ है, एक बाप ही सत्य है जो सच बताते हैं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए बाबा हर बात सत्य बताते हैं। क्यों? ताकि हम मनुष्य से देवता बन जाए। उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो, अब मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं जब झाड़ की जड़जड़ीभूत अवस्था होती है, तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं कच्छ मच्छ अवतार वारा अवतार नहीं लेता, मैं कण कण में नहीं रहता हूँ। तुम आत्माएं भी कण कण में नहीं जाती हो, तो मैं कैसे जाऊंगा? मनुष्य के लिए कहते हैं वह जानवर भी बनते हैं, वह तो अनेक योनियां हैं, गिनती कर ही नहीं सकते हैं। बाप कहते राइट बात, अब मैं तुमको समझाता, अब जज करो 84 लाख जन्म सत्य है या झूठ। इस झूठी दुनिया में सच कहां से आया? सच तो एक ही होता है, बाप ही आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको असत्य बना दिया है, बाप आकर सबको सत्य बनाते हैं। अब जज करो राइट कौन, तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट या एक बाप राइट? एक राइटियस बाबा ही राइटियस दुनिया की स्थापना करते हैं। वहां बेकायदे कोई काम होता ही नहीं, वहां किसको विष नहीं मिलता। तुम जानते हो हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं। पुकारते भी है हे पतित पावन आओ, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित है। तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूछते हैं ना, भारत में ही पवित्र राजाएं थे, अब अपवित्र है, पवित्र को पूछते हैं। तब बाबा आकर तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए, बाकी 8 भुजा वाला तो कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं, चित्र में फिर नारायण को सांवरा लक्ष्मी को गोरा दिखाते। बाबा के चित्रों में फिर नारायण को सांवरा लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब एक पवित्र एक अपवित्र कैसे हो सकता? तो चित्र झूठे हुए ना। अब बाप समझाते हैं राधे कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठ दोनों सांवरे हो गए। एक गोरा एक सांवरा तो हो ना सके। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते हैं? यह फर्क क्यों रखा है? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, तुम फिर काम चिता पर क्यों बैठते हो? बच्चों को भी ये पुरुषार्थ कराना है, हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं, तुम फिर काम चिता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते? अगर पुरुष ज्ञान उठाता स्त्री नहीं उठाती तो भी झगड़ा पड़ जाता है। यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, ये ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आया है तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ है। जब तक तुम ब्राह्मण न बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। डायरेक्ट
शूद्र से देवता कोई भी बन नहीं सकते। इसीलिए बाबा कह शूद्र पतित से पावन देवता बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, इसमें पवित्र बनना है। बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं, जैसे और लोग करते हैं। आफत के समय यज्ञ रचते हैं। समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यज्ञ रचा था। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। क्या आहुति डालते हैं? देह सहित जो सब कुछ है आहुति देनी है, पैसा आदि नहीं डालना है। इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। इसके ऊपर एक कहानी है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। कहानी बाबा सुनाते, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा। अब प्रजापिता तो एक है, प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापिता कहां से आया? बाप प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण हो, तुमको मिलता है दादे का वर्षा। तुम कहते ही हो हम शिव बाबा के पास आए हैं थ्रू ब्रह्मा। ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, बाबा का निवास इसमें है। ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम पतित नहीं हैं। हम पतित हैं, परंतु पतित पावन हमको पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं। अभी तुम जानते हो कि एक सतगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं। उनकी श्रीमत है, बच्चे तुम मुझ एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो, जज करो। चाहे उन गुरुओं के पास जाओ, चाहे मेरी मत पर चलो, तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बेहद का बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं। यहां तो यह ज्ञान किसी में है नहीं, सत्ययुग में तो यह ज्ञान किसी में है नहीं, न कलयुग में। सन्यासी तो कह देते, क्या कहते हैं? आत्मा सुपरमात्मा, आत्म ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो। भ्रष्टाचारी पतित उनको कहा जाता है, किनको? जो विकार से पैदा होते हैं। वह रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते हैं। फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है, भारत में ही आते हैं। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूं। 5000 वर्ष पहले भी ये तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बनाता हूं। कल्प कल्प में आता ही रहता हूं। इसकी न आदि है न अंत है, चक्र चलता ही रहता है। प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम बच्चे इस समय इस अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं, क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? शिव बाबा को कहते बम बम महादेव। बम बम अर्थात, बाबा इसकी कितनी सुंदर परिभाषा बताते हैं, बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव, भर दो झोली। तो बाबा कहे बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। नॉलेज बुद्धि में रहती है ना,
आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम आत्माएं क्या बनेगी, पूछते बाबा, अभी तुम आत्माएं क्या बनेगी, कहते हो बाबा से वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर लेती है, ये समझने की बातें हैं ना। कोई को सिर्फ ये दो अक्षर कान में डालो, कौन से दो अक्षर कान में डालो, तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कितना सहज है, एक ही बाप सत्य बताते हैं, सबको सदगति देते हैं, बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति ही करेंगे। ये शास्त्र आदि भी सब बाद में बने हैं, भारत का शास्त्र एक ही गीता है। कहते हैं परंपरा से ये चले आए हैं, परंतु कब से समझते हैं, सृष्टि को लाखों वर्ष हुए, इसलिए कह देते परंपरा से चले आए। अच्छा, तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, अंगूर की सीजन है तो कई बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले गए होंगे, तो बाबा कहते तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ, शिव बाबा तो अभोक्ता है, तो शिव बाबा तो खाते नहीं। तो बाबा कहे मैं तो अभोक्ता हूँ, सत्युग में भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं, यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ, नए मकान में बाबा रखते थे बच्चों, हम तो पुराने में ही रहते हैं। ये वंडरफुल बाबा है, यह बाप भी है तो मेहमान भी है। बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना, यूं तो ये बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है, शिव बाबा सारी दुनिया का मेहमान है, इनको आने और जाने में देर नहीं लगती है। मेहमान भी वंडरफुल है, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, तो मेहमान हुआ ना। आते हैं किस लिए, तुमको गुलगुल फूल बनाए वर्षा देने, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है, सबको ये ज्ञान रत्न देने हैं। दूसरी पॉइंट, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। आज का स्लोगन है,
दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। सुंदर विधि बताई बाबा ने, दुखों की दुनिया को भूलना है तो क्या करो, परमात्मा प्यार में सदा समाये रहो, खोए रहो। अच्छा, ओम शांति।